आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ सूर्य ग्रह के रत्न माणिक की। माणिक कुरुंदुम समूह का रत्न है और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका प्रमुख तत्व है। सूर्य प्रमुख रूप से अग्नि प्रधान ग्रह है और सूर्य का रत्न माणिक यानी कि रूबी होता है। रूबी पहनने से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। माणिक धन दौलत मान सम्मान और यश दिलाता है। सूर्य का रत्न माणिक बेहद ताकतवर रत्न है और नीलम के समान ही इसका भी प्रभाव बहुत जल्द दिखता है। राजनेता अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर बनने और बड़े पदों पर पहुंचने के लिए माणिक पहनना चाहिए। सूर्य के लिए गुलाबी रंग के माणिक का इस्तेमाल सर्वोत्तम माना गया है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माणिक सूर्य का रत्न है, सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए उसका रत्न भी राजयोग दिलाता है। पहले राजाओं के मुकुट में भी माणिक रत्न जरूर होता था। जिसके पास अन्य रत्न जड़े होते थे, हालांकि माणिक रत्न का इस्तेमाल कुंडली दिखाने के बाद ही करना ज्यादा हितकर माना गया है। तो किसे माणिक पहनना चाहिए इसके बारे में चर्चा करूंगा। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वाले माणिक पहन सकते हैं। जो लोग जुलाई के महीने में या रविवार को पैदा हुए हैं, उन्हें भी यह रत्न सूट करता है। मूलांक के अनुसार अगर चर्चा करें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति भी माणिक रत्न को पहन सकते हैं। सूर्य की महादशा हो तो माणिक एक बार पहनकर जरूर देखना चाहिए, लेकिन किसी ज्योतिषाचार्य के परामर्श के बाद। माणिक रत्न की पहचान करना जरूरी होता है, क्योंकि एक तो ये महंगा रत्न है और इसमें डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बाजार में चल रहा है। तो इसकी सबसे पहले तो लैब रिपोर्ट करवा लेना जरूरी होता है। और ऐसे भी कोई भी रत्न आप खरीद रहे हैं तो लैब रिपोर्ट एक बार आप जरूर करके सेटिस्फाई हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। और ऐसे माणिक रत्न अनार के दाने के समान होता है, गाढ़े रंग का रत्न होता है और वजनी भी होता है और यह बहुत ठंडा रत्न है। माणिक को आंखों पर रखेंगे तो ठंडक महसूस होती है। अगर अधिकारीगण माणिक रत्न पहनते हैं तो उनके ऑफिस में कोई परेशानी नहीं होती है। माणिक पहनने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और घर में खुशहाली का माहौल सदैव बना रहता है। अगर माणिक सूट कर गया तो राजा बना देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।